गाड़ी क्यों अबे रोका? गाड़ी रोका नहीं, गाड़ी बंद पड़ गई। अबे गाड़ी बंद नहीं पड़ी, जो रास्ते से जो भी गाड़ी जाती बंद पड़ जाती है। मुझे वहाँ पे एक बंगलो दिख रहा है, चलो वहाँ पे चलते हैं। ठीक है आप ही चलो। अरे यार परे बंगलों में जाएंगे कैसे? अरे 2 मिनट रुको यार, मैं थक गया जरा। अरे अमर तो दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता है। इसके पास कितने लोग रहेंगे बात करने के लिए? हाँ भाई मजे करते रहे। हाँ मैं कम से कम तुम्हें जरा पुख्ता तो नहीं हूँ यार दोस्त, इसलिए तुमने क्या किया? मेरे तो पूरे वीक एग्जाम चल रहे। मैं तो पूरा हफ्ता असाइनमेंट ही लिखते बैठा। अरे मेरे को तो पढ़ाई लिखाई की आदत ही नहीं है, देखना अभी लगाओ से झूठी डिग्री बना के आता हूँ। अरे यार बस सुना है 12 बजे के बाद जाना नहीं चाहिए। कर्फ्यू लगता है क्या? कर्फ्यू नहीं यार, या 12 बजे बाद सुना है दादी अम्मा आती है। दादी अम्मा नहीं, यहाँ पे तो जवान छोकरी आती है। हाँ यहाँ तो जाके शादी कर लेना होता है। अंदर जाके तो देखो। ऊपर चलते यार। ऊपर क्यों जाना, नीचे में इतनी जगह है। पता है मेरा एक दोस्त था, उसे भी ऊपर जाने का बड़ा शौक था, और एक दिन पता है क्या हो गया, वो ऊपर वाले को ही प्यारा हो गया। चलो ऊपर चलते वरना ये रोएगा। अबे साले वो ऊपर ही आती है। ठीक है बाबा तेरी शादी उसी से ही करा लेंगे। अबे उसको देख के तुम्हारा भी दिल आ जाएगा। हमें उल्टे पैर वालियों में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों हमारी बुरी बुरी है ना तो वो उल्टे पाओ बस दो मैंने और पूरी जिंदगी मेरे साथ। देखते वो दादी अम्मा है या जवान। चलो लेकिन टॉर्च ऑन करो। हम क्यों टॉर्च ऑन करें, अकबर ही करे, उसकी हीरोइन को देखना है। अच्छा बाबा मैं ही ऑन करता हूँ। मत यार मैं ऑन करता हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, पर इसकी हीरोइन है किधर है, दिखती ही नहीं। जल्दी आ जा भी है तुम सब चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पे आत्मा रहती है। अरे बोला ना चले जाओ। लगता है आत्मा इसके अंदर आ गई। यहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं आ रहा। अरे मजाक था यार, तुम लोग तो डर ही गए। डरा दिया। ठीक है अगली बार से ऐसा नहीं करना। सुना है वो उस तरफ दिखती। अभी वो देख। अब ये तो वही है। अरे ये तो मस्त है। बोला था ना अब उसकी वजह मंदा। चलो चलो। अरे मैं नहीं आ रहा यार, तुम लोग ही जाके मिलो, देखो तो मेरा पता ही है। अच्छा हम दोनों जाते हैं, तू बता। चलो से बात करते हैं। तू स्टार्ट कर। हेलो, तुम लोग का यहाँ स्वागत है। हमारे यहाँ पे क्या स्वागत है, हम उनसे पहले आए। यहाँ मैं तुम लोगों से पहले आई हूँ। लेकिन हम पहले आए थे। तुम्हारी नजरें कमजोर है क्योंकि पहले तो मैं आई हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बंगला तो बंद काम ने इसको आगे बोल रही है। क्या बातें चल रही है? ये बंगला तो बंद काम ने आके एक बंगले को ले आया, तुम भाई कैसे हो? ये बंगला सिर्फ तुम्हारे लिए बंद है, मेरे लिए हमेशा से खुला है। तुम उनसे बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे जन्म से रहती हो? हाँ सही पहचाने, मैं यहाँ जन्म से ही रहती हूँ। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? जाना है? आओ बताती हूँ। पता नहीं ये साले क्या करते रहते हैं, तो नेटवर्क भी नहीं हुआ, मैं क्या करूँ टाइम पास। तो ये 15 फरवरी की बात है कि मैं मेरी अपनी फ्रेंड के साथ ही आई थी, मोना के साथ, और बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। हमारी भी गाड़ी खराब हुई थी। और फिर उस रात हमें कुछ समझा नहीं, हमें कार रुकनी चाहिए और हमें ये खूबसूरत सा बंगला दिखा और हमने सोचे एक रात इधर ही बिता देते हैं। और हम अंदर गए बंगले को और हमारे सामान रखे और इतने में बंगले की रानी ये क्या फालतू चीज दिखी, अंदर जाके लोगों को ये फंसा देती है, बहुत खूबसूरत सबको अपने वश में कर देती है, ऊपर की कम ये। और उतने में मोना से जो फ्रेश हो जाती है एक लंबे सफ़र से, तो वो ऊपर गई सेकंड फ्लोर के वॉशरूम में और मैं उसका नीचे इंतज़ार कर रही थी, लाइट भी नहीं थी घर पे। उतने में मुझे एक बहुत भयंकर चीखने की आवाज़ आई और मैं ऊपर जाके देखी तो वो मोना की आवाज़ थी। और जब मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा, मुझे उन लोगों को बचाना पड़ेगा, होली और उतने में वो वहाँ गिरी पड़ी हुई थी। क्यों अभी सो रही थी क्या? अरे नहीं बेवकूफ, वो सो नहीं रही थी यार, मुझे उन लोगों को बचाना ही पड़ेगा। या तो नेटवर्क भी नहीं है।
तो गिरी नहीं थी, वो मर गई थी। यहाँ लाइट तो कभी थी नहीं। अरे तो क्या ही बाबा बोलती, ये नहीं थी वो नहीं थी वो नहीं थी। बताती हूँ सब एक एक करके। क्या वो मर गई थी? हाँ वो मर गई थी। हेलो, हाँ दीना, बड़े मुश्किल से नेटवर्क है। हाँ हाँ, हम वही बंगलों में जहाँ मैं बोला था। हाँ मुझे पता है ये डेंजर। हाँ मैंने पढ़ा वो भूत के बारे में। मेरी बाइक खराब हो चुकी है, जय को बोल के दूसरी बाइक भिजवाना। पास कम ऑन बी क्विक। बॉडी को नीचे खींच कर निकल गई, लेकिन दरवाजे सारे बंद हो गए तो रास्ता ही नहीं था जाने का, और उतने में वो आ गई। वो कौन? ये घर की मालिक है। ये बोला था गाड़ी वो यहीं कहीं जाएगा, मुझे जल्द से जल्द देखना पड़ेगा, इन लोग की जान खतरे में। वही जो किसी को जिंदा जाने नहीं देती है यहाँ से कभी। वो वही जो मालकी नगर की। हाँ इसको जिंदा देती नहीं, मैं जिंदा हूँ। कौन बोला कि मैं जिंदा हूँ? क्या बात करते हो, तुमने बोले थे ना ये होता है वो नहीं होता, ये होता है। हाँ बताती हूँ मैं। मैंने स्टार्ट में बताई थी तुम लोगों को, याद है ना? कब से इतनी बातें करती, मुझे क्या मालूम क्या पता। मैंने स्टार्ट में ही बताई थी कि मैं तुम लोगों से यहाँ पहले आई हूँ, तुम्हारे तुम लोगों की नजरें कमजोर हैं। मतलब तुम हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चल। तुम लोग मेरे बिना निकल भी नहीं सकते हो यहाँ से। अरे तू तो खुद भूत है, तू क्या यहाँ से निकलवाएगी? मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये कैसी मदद है, हमारा दोस्त अटकाई है ना। मदद ही तो कर रही हूँ, एक या तीन, ऐसे जानी नहीं पड़ेगी, एक को जानी नहीं पड़ेगी, तीनों को। सोचो एक दिन का तो भाई तुम लोग की है। ऐसे भी निकलते, मुझे गेट मिल चुका है यहाँ से। कैसे, लेकिन वो कैसे गई? अरे वो छोड़िए, पता मेरे दोस्त जैन ने दिया है मेरे को, वो छोड़ मैं बाद में बता की चलो। दरवाजा यहाँ पे ही था, वैसे कैसे गायब हो गए करे? मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त जय ने बोला था कि इधर कहीं पेपर मिलेगा, और अगर वो पेपर मिला मतलब हम यहाँ से निकल सकते, वो पेपर ढूंढो। अरे पेपर क्या कर रहा है इधर? शिट, इसमें दिया या के रहने वाले किसी इंसान का हैंड प्रिंट चाहिए। अरे लेकिन यहाँ पे रहने वाले है कौन? मुझे क्या पता, क्या करे? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम तो कहाँ मदद कर रही हो, तुम अकेले रहने वाली हो क्या? हाँ मेरी से तुम निकल सकती हो यहाँ से। तो रख ना। लेकिन इसके वजह मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? किसी की लाश, और मुझे पत्ता भी चाहिए। एक सेकंड, तुम मेरे पास में। इस पत्ते का तुमसे क्या लेना देना है? किधर गया? किधर है वो? मैंने पहले को दी थी, मुझे किसी एक की लाश चाहिए। तो गए अमर गया? अमर तो गया, लेकिन इसका मतलब उसने हमें छोड़ दी। मतलब हम जा सकते हैं? हाँ। ओ या। उस रात के बाद हमें भूत से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन हमने हमारे दोस्त अमर को खो दिए थे। और अकबर सुने वो तो इतना सदमे में चला गया था कि सुने वो पागल खाने में। आमीजे तुम्हारा। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त जय ने मेरी मदद किया, और उस सही टाइम पे उसने गाड़ी लाया और साथ में उसने पत्ता दिया, जिस वजह से आज हम इधर हैं। पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है।